बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के बारे में। आप सेकंड ईयर में आ गए हैं, सेकंड सेमेस्टर के आपके पेपर पूरे हो चुके हैं, आपका कुछ यूनिवर्सिटी के रह गए, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही पास का रिजल्ट आ जाता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी का पास का रिजल्ट आ चुका है छात्रों का, तो अब उनकी परीक्षा जो आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कॉलेजों में नोट्स वगैरह बुक वगैरह नहीं आ पाई है, परेशान हो रहे हैं क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। यदि आपके देखो कोई भी बुक है प्रीवियस ईयर की, आप सेकंड ईयर की दे रखी है, फिर कोई भी हाई स्कूल इंटर की भी है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपको दे रखा हूं ना, ये क्वेश्चन आप कहीं से पढ़ लो, बना बना के भी लिख दोगे ना तो भी नंबर पूरे मिलेंगे, तरीका है आपका। लेकिन क्वेश्चन आपको यही करना है, मैं आपको 2022 में, देखो 2022 अभी चल रहा है, कुछ यूनिवर्सिटी में 2022 में ही पेपर हो जाएगा, अभी हाल ही में दिसंबर तक हो जाएगा, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 2023 भी लग सकता है, जनवरी में हो सकता है पेपर, ये जनवरी में हो, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो जनवरी में आने की संभावना होगी, करने की करवाने की संभावना होगी, समझ सकते हैं आप। अभी सेकंड ईयर कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी जिसका सेकंड ईयर का ही वो सॉरी सेकंड सेमेस्टर का ही मतलब एग्जाम नहीं हुआ है, तो वो क्या करेंगे, दिसंबर के बाद ही कराएंगे, रिजल्ट कब घोषित होगा उसके बाद ही सब कुछ होगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, ज्योग्राफी का पेपर लेके आए हो, 2023 में आने वाले क्वेश्चन याद रखो, 2023 इसलिए हम इसका टैग दे रहे हैं, ओके। अब यहां ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन जियोग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है, 2022 में होने वाला है या 2023 में होने वाला है, ठीक है, पेपर में बस यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं होने वाली है, क्योंकि आप टॉपर बनने वाले हैं 2023 के टॉपर, याद रखना, ठीक है, टॉप 10 में आएंगे यदि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं यही क्वेश्चन पढ़ लिए तो, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, लेकिन 85% से नीचे आने की तो संभावना है ही नहीं, कोई आपको फेल करने वाला पैदा नहीं है आपके यूनिवर्सिटी के अंदर, ये समझ लीजिए, बस यही क्वेश्चन पढ़ना है। अब क्या करना है, देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अपने बुक नोट्स गैस पेपर जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को याद कर सकते हैं, वरना हमारा एप्लीकेशन बहुत ही जल्दी लॉन्च हो जाएगा अगले मंथ में, ठीक है, उस एप्लीकेशन में इन क्वेश्चनों के आंसर नोट्स पीडीएफ शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल शॉर्ट में, मतलब ज्यादा कुछ फालतू उसमें बट नहीं लिखे होंगे, शॉर्ट वाले चीजें होंगी, छोटी छोटी चीजें याद करके आप उनको बना बना के बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे इन क्वेश्चनों की परिभाषाओं को, आंसरों को, ठीक है। अब यहां ध्यान रखो, पहला ही क्वेश्चन यहां दे रखा है कि भैया पर्यावरण की परिभाषा बता दो, अब बताओ किसको पता नहीं है पर्यावरण की परिभाषा, हम कक्षा 9 से 10 से 11 से कक्षा 5 से पढ़ते चले आए कि पर्यावरण क्या होता है, जल प्रदूषण पर एक बता दो, ये सब कुछ पढ़ते चले आए, सबको पता होगा। दूसरा क्वेश्चन यही एक दे रखा है कि परिस्थिति क्या होती है और परिस्थिति तंत्र इकोसिस्टम के बारे में आपसे पूछ लेता है ना, ये तो हम यदि आप कहीं भी हो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में ना, तो भी इकोसिस्टम के बारे में चले आए, खासकर कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता होगा कि हमारे यहां जो भी चल रहा है वातावरण में वो सब इकोसिस्टम के अंदर रख दो, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर्यावरण भाई ऊपर आ गया, जो मैंने बताया पर्यावरण की परिभाषा यहाँ बता दोगे, पर्यावरण की परिभाषा यहाँ बता दो भाई, खत्म। यहाँ देखो दूसरा क्वेश्चन, यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे कहते हैं आपदा प्रबंध से प्रबंध में भारतीय पारंपरिक ज्ञान के बारे में, कि जो आपदा प्रबंध में भारतीय पारंपरिक ज्ञान है उनके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाएगा। जो मैं आपको बता रहा हूं इकोसिस्टम 100% पेपर में छप रहा है, पर्यावरण परिभाषा 100% पेपर में छप रही है, कोई हटाने वाला नहीं है, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि कह सकता हूँ ये वाले क्वेश्चन, ऐसा होता है कि आपको ये वाला क्वेश्चन ना दे, लेकिन इकोसिस्टम पर्यावरण की परिभाषा ठीक है प्रदूषण ये तो पक्का आएंगे, हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा, आप देख रहे हैं जिसका लिखित परीक्षा हो रही है, और जिनकी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, जिन जिन यूनिवर्सिटी में बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे उनके लिए भी हम प्रोवाइड कराएंगे, यार चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक पेपर हैकर जिंदा है ना तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है, समझ लो। आप देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगा लेना, थर्ड सेमेस्टर वाले छात्र याद रखना, सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट, यहां बोल रहा है कि जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता की परिभाषा, जैव विविधता की परिभाषा और इसका संरक्षण किस तरीके से किया जाता है, संरक्षण के बारे में भी आपको याद करना है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, सतत विकास, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सतत विकास के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन की कटाई, ये क्वेश्चन याद कर लेना कि वनों की कटाई के बारे में एक छोटा सा निबंध पूछेगा, आप यदि वन की कटाई कर रहे हैं तो वो उससे क्या आपको प्रॉफिट होने वाला है और आपको क्या लॉस होने वाला है, समझ रहे, क्या हानि होगी आपको यदि वन की कटाई होगी तो। उसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, एक आता है मिट्टी का कटाव, आपको पता होगा
जिसे उरोशन, देखो यहाँ है मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव, मिट्टी बह जाती है। आपने बाढ़ आई, बारिश हुई एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या बहुत तेज आंधी तूफान आ गया, जो बालू थी, जो सॉइल थी, मिट्टी थी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान चली गई, तो ये क्या है, कटाव हो रहा है। इसको रोकेंगे कैसे, रोकने के क्या नियम है, तो आपको अगर पेड़ पौधे घास वगैरह लगा दो, तो क्या है, जहां मिट्टी कटाव नहीं होगी, चाहे आंधी आए या पानी आए या फिर रेला आए, ठीक है, तो वो चीज यहाँ आपको देखना है, मिट्टी के कटावट के बारे में एक्सप्लेन करना है, वो इसके अंदर ही आ जाएगा, देख लेना। बाकी आप देख रहे हैं कि मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पेपर में छपेगा। आप देखो मैंने कहा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, हम कक्षा 5 से करते चले आए, छोटे से थे ना हम, तब से ये क्वेश्चन करते चले आए कि भैया वायु प्रदूषण पर एक निबंध लिख दो, किसको पता नहीं है बताओ, तुम्हें पता नहीं है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण में एक निबंध लिख दो, बताओ किसको, ये पढ़ने की जरूरत है, मुझे बताओ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आपको देखने की जरूरत है, वो भी क्लास को, हमारी क्लास को एक बार देखने की जरूरत है, बार बार देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन जैसे ही तैयार हो जाता है, सभी लोग ज्वाइन हो जाना वहां, सभी लोग अपना अपना एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक एक बार, दो दो बार वीडियो देख लेना, बस पेपर देने चले जाना, डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा कार्य योजना। अब आपको गंगा एक्शन प्लान चल रहा है गंगा को शुद्ध करने का, भैया बहुत दूषित हो गई थी गंगा, समझ रहे ना, तो गंगा को, गंगा योजना चलाई गई थी, गंगा कार्य योजना, जिसे गंगा एक्शन प्लान कह सकते हैं, उसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक आएगा, जो भी हाल ही में पढ़, करंट अफेयर आपने पढ़ी होगी तो आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टारगेट, जो आपको है टाइगर परियोजना, या फिर जिसे बांध बाघ परियोजना कहते हैं, फिर टाइगर प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, तो टाइगर प्रोजेक्ट के ऊपर एक छोटा सा निबंध आएगा, छोटा सा, वो आपको बता देना, शॉर्ट में ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये है टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर है, आपको पता है ये बांध कहां पर है, भागीरथी नदी कितना लंबा है, ये सब कुछ पूछा, किसने बनवाया गया था और टिहरी बांध से क्या लाभ है, क्या हानि है, टिहरी बांध कहां पर है, उत्तराखंड में, यही सब कुछ बना बना के लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछना है, देखो ये पूछा गया है कि नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में थोड़ा सा टिप्पणी लिख दीजिए, थोड़ा सा बना बना के लिख दो इसके बारे में, ये सब हम करा देंगे यार, हम अपने क्वेश्चन खुद के आंसर देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, समझ रहे हैं। मैं थर्ड सेमेस्टर के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ सबसे पहले, अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराए होंगे, देख लो, खोज कर सर्च कर लो, अभी तक किसी ने थर्ड सेमेस्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं कराए होंगे। उन्हें यह भी बताना होगा कि बुक में क्या है, आपका इस पेपर में क्या छपेगा, यही छपेगा जो मैं बता रहा हूँ, पेपर में भी यही छाप के देगा वो टीचर, जो भी आपके प्रकाशन द्वारा, किसी भी राइटर के द्वारा जो छपेगा, जो इसी क्वेश्चनों के आंसर छपेगा, देख लेना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखो यहां बोला गया है जलवायु परिवर्तन का विज्ञान का वर्णन, देखो जलवायु परिवर्तन का विज्ञान है, इसका वर्णन करो, इस पर टिप्पणी लिखी हुई है, कहेगा कि जलवायु परिवर्तन का विज्ञान है, इसका टिप्पणी लिखिए, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जलवायु परिवर्तन को समझाए, मतलब कि जलवायु परिवर्तन को आपको समझाना होगा, और समझाते हुए उस पर इफेक्ट क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना होगा, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। वही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक बनता है, बहुत कम क्वेश्चन, 18-19 क्वेश्चन याद करके 85% 90% टॉप 10 में आप आने वाले हैं, इस बात को याद रखिए, बस इस तरीके से सोच कर, संघर्ष करके आपको पढ़ना होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप सभी लोग जानते होंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस यहाँ पूछी गई है, एक इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, अब उसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट का, तो वो आपको याद करना है। यह है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग एक छोटा सा टॉपिक होगा, इसको आप पढ़ लेना, वरना मैं इसको करा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और जैसे ही एप्लीकेशन के हमारे गुड न्यूज आपको दे कोई भी, मैं या फिर कोई भी, तो आप उसको तुरंत अपने फोन में इंस्टॉल करो और आराम से उसी पर ज्वाइन हो जाओ, यूट्यूब पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीए में हो, बीएससी में हो, आप कंप्लीटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम वो कराएंगे जो पेपर में छपेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन, सॉरी परिवर्तन यहाँ कह रहा है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे में बता देना है, कि जो नेशनल एक्शन प्लान होता है उसके बारे में, जो कह सकते हैं जो जलवायु चल रहा है, जिसे हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, उसके बारे में आपको एक योजना चल रही है जिसे हम राष्ट्रीय कार्य योजना बोलते हैं, इसके ऊपर जलवायु परिवर्तन के ऊपर, तो आपको छोटा सा टिप्पणी लिख देनी है इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा, आपदा आप जानते होंगे एक होता है मानव निर्मित आपदा, ठीक है, एक होता है प्राकृतिक आपदाएं, दो प्रकार की आपदाएं होती हैं, ये कह रहा है उनके प्रकार बता दो, आपदा आपदा के दो प्रकार होते हैं, आपदा का मतलब होता है
जो अचानक होने वाली, इतनी तेज आने वाली, जो बहुत ज्यादा नुकसान करती है, हमारे खतरे से बाहर नहीं होती, वो चीज आपदाएं कहलाती है। जैसे कि खतरे का क्या, खतरा क्यों होते हैं, मतलब कह रहे हैं आपदा क्या है प्रकार बताइए, खतरा क्यों होते हैं, आपदाओं से क्या खतरा होते हैं वो आपको बताना है। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ कह रहा है जोखिम क्या होता है, देखो क्या क्या खतरा होता है और क्या क्या जोखिम होता है, आपदा प्रबंध क्या होता है, आपदा प्रबंध को भी आपको देख लेना है, ठीक है, मैनेजमेंट को देख लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये है एक क्वेश्चन है आपदा प्रबंध चक्र, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपदा प्रबंध चक्र के बारे में, साइकिल के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, ज्यादा कुछ खास नहीं होगा, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत शॉर्ट में हम लोग कराएंगे, बस आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दिन छात्र के एमसीक्यू क्वेश्चन भी आएंगे, उनके लिए भी हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक, देखो यहाँ कह रहा है प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी होती है, जैसे कि बाढ़ हो गई, सूखा हो गया, ठीक है, चक्रवात हो गया, भूकंप हो गया, ये क्या कहलाती है बेटा, ये प्राकृतिक आपदाएं कहलाती है। अब बताओ बाढ़ आएगी तो भैया बहुत फसलें खराब हो जाएंगी, बह के चले जाएंगी, सूखा पड़ेगा तो कुछ भी होगा ही नहीं, तो खाएंगे पिएंगे तो क्या होगा, ना सब्जी खा पाएंगे, ना दाल खा पाएंगे, ना अनाज पैदा हो पाएगा, सूखा पड़ेगा तो ये आपदाएं हैं जो जोखिम भरी हो सकती है, खतरे भरी हो सकती है, जिसमें लोग मर भी जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ चक्रवात, चक्रवात का मतलब क्या होता है आप पता है, चक्रवात कैसे आते हैं, भूकंप, हिलोवर, पूरी पूरी मंजिल गिर जाती है, तो उससे क्या क्या नुकसान होता है, क्या हानि होती है, वो चीज आपको आपको बड़े आराम से एक बार हम करा देंगे इनको, तीन चार को बस एक बार, मतलब वीडियो को देखने की जरूरत होगी, ज्यादा कुछ ध्यान से पढ़ने की जरूरत भी न पड़ेगी, समझ रहे, बना बना के लिख गया होगा, टोटल छाप गया होगा, ऐसे ऐसे समझ रहे ना। उसके बाद क्या है, यहाँ कह रहा है मानव निर्मित आपदाएं, देखो मानव निर्मित का मतलब होता है जो हम लोग खुद उसको निर्माण करते हैं, मानव द्वारा आपदाएं कुछ बनाई गई, जैसे मान लो परमाणु बम डाल दिया, अब क्या होगा, भी परमाणु बम डालोगे तो रासायनिक कहलाएगा, परमाणु आपदा है ना, वो परमाणु आपदा हो गई, रासायनिक आपदाएं, ये मानव निर्मित आपदाएं होती हैं, जैसे परमाणु बम कहीं गिरा दो तो क्या होगा भाई, आसपास की बिल्डिंग फिल्डिंग जितने लोग हैं वो सब मर जाएंगे, खत्म, समझ रहे हैं, तो वो क्या है परमाणु आपदाओं के अंतर्गत रखा जाएगा, तो वो मानव निर्मित, क्योंकि वो मानव ने बम को बनाया है इसलिए वो मानव निर्मित कहलाएगा, बाकी जो भगवान बनाते हैं वो प्राकृतिक कहलाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखो है आपदा, आपदा के समय क्या करें और क्या ना करें, मान लीजिए कोई आपदाएं जैसे प्राकृतिक आपदाएं हो या फिर मानव निर्मित आपदाएं हो, यदि कोई इशू आता है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है, तो ये इस क्वेश्चन का भी आंसर हम आपको सबके सब क्वेश्चनों के आंसर प्रोवाइड करा देंगे बहुत ही जल्दी, बस आपको हमारी एप्लीकेशन से जुड़ जाना है, हम एप्लीकेशन ही अगले मंथ 2 अक्टूबर के बाद में लॉन्च कर देंगे, आप आराम से जुड़कर वहां पढ़ाई करिए, बेहतरीन पढ़ाई करनी है, आपका दोस्त भाई बहन हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी बीकॉम एमएससी एमकॉम कुछ भी कर रहा है एनीवे, तो आप उनसे जरूर बताइए कि पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।